एक सवाल जो हर किसी के मन में हमेशा कभी ना कभी तो उठा होगा, आखिर विभीषण ने अपने भाई रावण से क्यों बगावत की थी और वह क्यों लंका छोड़कर भगवान प्रभु श्री राम की शरण में चले गए थे। आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही रहस्य बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे हैं ता भक्ति। महर्षि वृषवा को असुर कन्या कैक्सी के संयोग से 3 पुत्र प्राप्त हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण वृषवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्म परायण और भगवान का भक्त था। विभीषण की पत्नी का नाम था सर्वा और उसकी बेटी का नाम था रिजटा। कहते हैं तीनों भाइयों को ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी के त्रिलोकीय विजय होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया, इसीलिए वह वर्ष में बस 1 दिन के लिए जागता था और बाकी के महीनों और सालों भर तक सोता रहता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवत भक्ति की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका पूरी की पूरी तरह छीन ली और उसे अपनी राजधानी बनाया, जो कि लंका कहलाई। और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव के कारण वह त्रिलोकीय विजय भी बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। रावण ने जब सीता माता का हरण किया तब विभीषण प्राय स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देते हुए हमेशा धर्म की शिक्षा देता था। इसीलिए रावण उसकी एक नहीं सुनता और उसे कटु वचन सुनाता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया था। हनुमान जी सीता की खोज करते हुए जब लंका में आए, उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी अपनी निंद्रा भंग कर रहे थे। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन किए। वहीं दोस्तों, जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसीलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन भी इसीलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन में तुलसी के पौधे रखे हुए थे और वहां पर निरंतर भगवान राम का जाप होता था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी वहीं बना हुआ था। सबसे सुखद तो ये था कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। ये देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को बिल्कुल भी नहीं छुआ। वहीं दोस्तों, रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास कोई और चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी ना मारे जाए और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। विभीषण की शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई और दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी देखो, मैं क्यों और क्या कहना चाहता हूँ वो भी समझो। फिर कुछ देर बाद हनुमान जी ने उसको कहा, जो एक बार विनती भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभ्यदान प्रदान करता हूँ। ये मेरा व्रत है, इसीलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम था अनल। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था और सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को भी दे दी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण के मृत्यु का रहस्य बताया था। वहीं भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और कहते हैं वो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है और वो आज भी
इस दुनिया में जीते हैं। वहीं दोस्तों, इंद्रादि देवियों के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी को शरण में लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्रोत की रचना की थी और इस अचूक स्रोत का नाम था हनुमान वडवानल स्रोत। वहीं दोस्तों, हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्रीराम से मिलवाया, फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको फिर राम से मिलवाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों ही भय मुक्त जीवन और राजपद दोनों को प्राप्त हुआ। इस तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भय मुक्त और जीवन मुक्त किया। अब सवाल जो हमने शुरू में पूछा था कि आखिर विभीषण ने अपने भाई रावण से बगावत क्यों की, वो इसीलिए क्योंकि वो पहले ही समझ चुके थे, जब उन्होंने सीता माता का हरण किया तो उन्होंने बहुत बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि किसी पराई स्त्री का हरण करना महापाप से कम नहीं। उन्होंने कई बार सिखाया, उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। रावण था भी तो राक्षस प्रवृत्ति का, लेकिन विभीषण एक संत प्रवृत्ति का था। विभीषण समझ चुका था कि आने वाले समय में उनकी पूरी की पूरी लंका ध्वस्त हो जाएगी। ऐसे में उसने रावण के खिलाफ जाने की सोची और वह प्रभु श्री राम की शरण में चले गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।